कॉम कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ हैदराबादी स्टाइल पाया नारी मेरी स्टाइल में तो आ जाइए इसकी रेसिपी देखते हैं तो सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि मैंने पाए को कैसे साफ़ की हूँ वो भी आपको मैं बता देती हूँ तो चलिए इधर पे मैंने एक कुकर ली हूँ कुकर को मैं थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ आज मैं पाए कुकर में उबालूंगी पाए तो कुकर में ही उबाले जाते हैं तो चलिए इधर पे मैंने ली हूँ बारह पाए बारह पाए यानी एक डजन मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह से धो ली हूँ मैंने इसके ऊपर एक वाटी भर के घे का आटा लगाई थी घेह का आटा लगा के मैंने इसे अच्छी तरह से मसल के ली हूँ उस उससे क्या होगा कि इसके जितने बाल बिले वो सारे निकल जाएंगे फिर उसके बाद में मैंने इसे चार से पाँच पानी से धो ली हूँ एकदम साफ़ हो गए हमारे पाए अभी मैं इसे डालूँगी कुकर में तो चलिए सारे पाए मैं कुकर में डाल देती हूँ अभी इस बर्तन को साइक में रख देंगे अभी मैं इसके अंदर डालूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज कटिंग कीवी और चार से पांच हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं तो चलिए इसे भी साइक में रखते अभी मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिए अभी इसमें डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए या ज़्यादा भी कर सकते हैं इसमें जाएगा नमक ही डाल रही हूँ मैं सही बात है अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तो हम डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ये कौन सा चम्मच है आप लोगों को पता है ना छोटा वाला तो चलिए अभी हम एक पोखली मसाला बना लेते हैं तो पोखली मसाला बनाने के लिए मैं पोखली अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं मगर ये तो मैंने बॉम्बे से लेके आई थी तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ है ना आसिफ हाँ, ये भी आती है जैसे पोखली नहीं है तो हम इसमें डाल के भी मसाले रख सकते हैं ये आपको बॉम्बे में मिल जाएगा तो ये है सारे मसाले तो चलिए अभी ये सारे मसालों को मैं इस डबे में डब्बे में डाल दूंगी है ना तो चलिए ये मैंने ली एक बड़ी इलायची तीन से चार हरी इलायची एक काली इलायची मैंने डाली पहले चार से पांच लौंग फूल एक दो चार से पांच दालचीनी के टुकड़े और एक जेवंतरी जेवंतरी दस से बारह काली मिरी और एक चंदन की लकड़ी चंदन की लकड़ी छोटी सी एक डालेंगे आधा चम्मच शाह जीरा आधा चम्मच जीरा बराबर अभी ये एक चम्मच कस्तूरी मेथी बराबर आसिफ बराबर ये सूखे फूल की पंकरियाँ हैं ये हम डाल देंगे आधा चम्मच अच्छे से दबा के डालेंगे सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी टेंशन कुछ भी मत लेना चलिए अभी हम इसमें क्या डालेंगे कुछ तो डालने वाली हूँ मैं अभी मैं पीछे से आवाज़ देती हूँ ना तो कौन सी चीज़ डालने वाली उसमें थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है ना आसिफ hmm. तो चलिए अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ हाँ ये है दगरी फूल है ना ये हाँ. मैं लूंगी एकदम ज़रा सा यानी आधा चम्मच दगरी फूल लूंगी और इसी के अंदर मैं डालूंगी दो तेज पत्ते के टुकड़े इसे मैं हाथों से तोड़ ली हूँ ये सारी चीज़ें इसमें आएगी आराम से बैठेगी हाँ और एक बात कहना चाहती हूँ मैं अगर आपके पास में क्या लाया था सिर्फ तूने वो कांडी ना हाँ ये चंदन की चंदन लक्री की लकड़ी अगर आपके पास में नहीं है तो आप चंदन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं वो आपको दुकान में आसानी से मिल जाएगा तो ये देखिए इसमें सारी चीज़ें आ चुकी है अभी मैं डालूँगी इसके अंदर पानी तो मैं इसमें कम से कम एक जग पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ हाँ। आप एक लीटर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी पानी डालने के बाद एक बार में इसे अच्छी तरह से हाथों से चला दूंगी आप हाथों को अच्छी तरह से धो के यूज करना मैंने तो अपने हाथ अच्छी तरह से धो ली थी तो चलिए अभी ये जो हमारा जो पोटली मसाला है वो मैं बीचो बीच इसके अंदर रख दूंगी असली टेस्ट इसका ही है इसी का, का। हाँ इसमें ज्यादा मसाले नहीं गिरते इसी का असली टेस्ट होता है ना आप लोग बनाने के बाद में मुझे कमेंट में बताना कि कैसा बना था। तो चलिए अभी ये बीच में रख दी। अभी मैं लगा दूंगी कुकर का ढक्कन तो चलिए पूरी में बैठ के आज मैं काम कर रही हूँ है ना सिर्फ तो चलिए अभी कुकर का ढक्कन अच्छे से टाइट हो चुका है अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को बोल रही हूँ कि पांच मगर पांच सीटी में मेरे पाए गले नहीं थे कम से कम दस सीटी लगी थी आराम सी। है ना क्यों क्योंकि मैंने इसे लेके आके दो से तीन दिन तक का फ्रिज में रखी थी फ्रीजर में तो ये ज़्यादा सख्त हो गए बराबर आ बराबर तो चलिए अभी एक तरफ हमारे पाए पक रहे हैं इधर पे हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं तो इधर पे मैंने गैस को ऑन कर दी उसके ऊपर रखी हुई एक टोप मैं इसमें डालूंगी पाँच से छः चम्मच तेल तेल को हम अच्छा से गर्म होने देंगे उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी चार मीडियम साइज़ की प्याज सही बोलिए ना आसिफ़ आसिफ भी रेसिपी बनाना सीख रहा है तो चलिए अभी हम प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हल्का सा प्याज का कलर चेंज हुए तक इसे फ्राई कर लेंगे इसमें भी हम कुछ साबुत अखे गरम मसाले डालेंगे तो देखती हूँ मैं हाँ तो मैं इसमें डालूँगी दो तेज़ पत्ते के टुकड़े और ये डालूँगी साबुत अखे गरम मसाले यानी लौंग इलायची दालचीनी काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं ना अभी आप लोगों को तो रेसिपी बनानी आती है अभी मैं ही सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी तो भी आप लोग अपने दिमाग से पका लीजिए है, है ना हाँ तो चलिए मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था तो मैंने दो चम्मच तेल और डाली इसके अंदर अभी इधर पे मसाला अच्छा सॉरी इसमें प्याज अच्छी तरह से लाल हो चुका है अभी मैं इसमें डालूंगी एक वाटी भर के जवारारी का आटा ज्वारी का आटा अगर आपके पास में नहीं है तो आप घेहू का आटा भी इस्तेमाल कर सकते कोई बात नहीं है ना अगर आप पाए कम बना रहे हैं तो आधा वाटी इस्तेमाल कीजिए अगर आप एक डजन बना रहे हैं तो एक वाटी भर के इस्तेमाल कीजिए अभी इसमें डालेंगे तीन चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ अभी इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी मैं इसमें फिर बाद में एक गिलास पानी भी डाली क्योंकि थोड़ा एकदम ये सूखा सुखा सा हो गया था आ, आटा गया था ना इसके आटा बन गया था तो ये देखिए मैंने एक गिलास पानी डाल के इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर ली और खाना पकने के लिए काफ़ी लेट हो गया था क्यों क्योंकि पाए गलने के लिए टाइम हो गया था मैं खड़ी हुई थी तीन बजे पकाने के लिए मगर पकते पकते शाम के छः बज गए चलिए आगे बाद में बात करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर दो चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए मैं डाल रही हूँ कि इससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा है ना हाँ। तो चलिए हाँ थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे खंगाल के और थोड़ा अभी इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले हम खूब अच्छी तरह से भून लेंगे है ना मीडियम गैस पे हमें मसाले भूनना है अगर ज़रूरत लगी तो आप इसमें थोड़ा हल्का हल्का सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं हाँ तो जैसे कि हमें खाना पकने के लिए छः बज गए थे हाँ, तो हम लोगों ने ये खाने को गल के अब भी हुआ था हाँ अभी हुआ था तो छः साढ़े छः बज गए थे हाँ, तो मैंने हम लोगों ने इसे रात को ही खाए दोपहर के लिए तो तुम्हारे भाई ने होटल से खाना लेके आ गए तो चलिए अभी पाए तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं अभी इसके अंदर से ये पोखली को हम बाहर निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे इसका कोई भी काम नहीं है अभी हम क्या करेंगे पाए दिखाती हूँ मैं आपको अभी देखिए ये पाए गलने का नाम ही नहीं ले रहे थे काफ़ी टाइम हो गया था गलते गलते तो ये देखिए आखिर में आखिर में, में, में मैंने इसे गलाई दी तो बहुत ही अच्छे लगे थे और टेस्टी तो बहुत ही बने थे बहुत मज़ा आया था खाने में जब हम लोगों ने रात को इसको तंदूरी रोटी और जीरा राइस के साथ में खाए तो बहुत टेस्टी लगा मजा है ना मज़ा आ गया था तो चलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ अभी ये पाए तो देरी हो गए अभी ये पाए को उठा कर मैं मसालों में डाल दूँगी है ना बहुत सिंपल रेसिपी है खाली पाए गलाना ही बहुत हार्ड है तो चलिए ये अभी इसके पानी के साथ में इसमें जो भी सामान था टमाके प्याज वग़ैरह हरी मिर्ची इन सब के साथ में डाल दिए सिर्फ इसके अंदर की पोटली मैंने निकाल दी अभी इसके अंदर आप पानी डालिए पानी डाल के आपको जितना इसका रस्सा करना है उतना आप कर सकते वो आपके ऊपर है है ना आपको कम रखना है घर के रखना है तो घर के रखिए पतला और गारा रख पतला करना है तो पतला कीजिए अभी एक चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद में हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर गरम मसाला पाउडर की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरी आईडी में मौजूद है ना हाँ। अभी मैं इसमें डालूंगी दो बूंद केवरा एसेंड कलर देखिए क्या बेहतरीन आया है अभी इसके अंदर हम डालेंगे चार से पांच हरी मिर्ची बारीक कटिंग की हुई लंबी लंबी कटिंग की हुई और एक मुठ्ठी हरा धनिया है ना अभी इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके तीन मिनट तक का पका लेंगे दो से तीन मिनट पका लेना उसके बाद में गैस को बंद कर देना आपका ये क्या हैदराबाद हैदराबादी हाँ। पाया नहारी हैदराबादी पाया नहारी रेडी हो चुका है मैं थोड़ा बोलने में रुक रही हूँ तो इसीलिए आसिफ मेरे को बीच में बोल देता है ना तो चले यहाँ पर रेडी हो चुका है मेरा सर काफी दुख रहा था इसीलिए मैंने चश्मा लगाई तुम्हारे भाई ने जरा चश्मा उश्मा साफ करके दे दिए बोले इसे लगा लो तो तो ये मैंने लगा ली। पे थे। खाने का टाइमिंग कुछ ये आगे पीछे हो रहा है इधर पे आसिफ शूट कर रहा तो मैं हसी और मैं देख रही हूँ खोल कर कैसा है तो चलिए अभी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ तो ये देखिए बिस्मिल्लाह बोलकर हम निकालते हैं और देखने में तो इतना टेस्टी लग रहा था कि पूछो मत और खाने में तो उससे ज़्यादा हमारा खा पी के ख़त्म हो चुका है आज वीडियो आपको बाद में मिलेगा इसीलिए मैं आपको टेस्ट बता दूंगी कि क्या इसका टेस्ट है और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल अफरोज़ किचन फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी सी रेसिपी के साथ में और एक अच्छे ब्लॉग के साथ में है ना जब तक के लिए अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना और अपना भी ध्यान रखना और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए और मैं यहाँ पर पहले ही खा लेती हूँ और बाद में आप लोगों को बुलाती हूँ है ना सिर्फ तो चलिए एक पीस मैं आपको खाकर बताती हूँ बहुत ही टेस्टी बना था माशाला बिस्मिल्ला बोलते और खाते ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी बहुत <laughs> अच्छा बना था ना आशीफ बहुत मस्त बनाता बहुत अच्छा लगा था असली पाया वो होता है जब आप खाएंगे ना तो हाथ में ऐसे चिपकना चिपकने चाहिए अगर आपके हाथ चिपक रहे समझना आपका पाया बराबर बना मस्त एकदम अगर ऐसा पाया बना तो कमेंट करके बताना बता कि हमारा आप हाथ चिपक रहा था अल्लाह हाफि